सर बाहर से ले सकते हैं सर बिहार के थोड़ा सा अवॉइड कीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? हम अंदर थोड़ी ना गए हैं, प्लीज 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 तो नहीं हम जाए ना सर, इज वीआईपी प्लीज। थैंक यू बेटा, पार्टमेंट श्योर श्योर श्योर। बाहर ले, बाहर ले, बाहर ले, बाहर ले। अब तो एक्चुअली पहले इधर का थोड़ा बहुत जो रोड और एजुकेशन और इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हम गांव के एरिया में रहते हैं, थोड़ा इलेक्ट्रिक लाइन है वो कवर अभी तक कवर नहीं हुआ, पूरा शहर में जैसे कवर नहीं हुआ इधर कवर नहीं हुआ, तो वो पहले हमारा लक्ष्य है कि हम कंप्लीट कर देंगे। गाँव में कहीं भी जगह लाइन ड्रॉप होता है वो हम कवरेज कर देंगे। दूसरा जो एजुकेशन में हमारे इधर स्कूल है लेकिन टीचर की थोड़ा बहुत कमी है, तो ये हम फिलअप कर देंगे। तीसरी जो रोड साइड जो हमें मेंटेनेंस करना चाहिए वो हम करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। और मोदी जी जो दिशा में हमें ले जाने चाहेंगे हम उस दिशा में उन लाइन की तरफ जाएंगे। अभी जो लोगों में जो उत्साह दिखाई दे रहा है हमें बहुत अच्छा लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के हमने मेहनत किया है वोट के लिए कैंडिडेट के लिए तेज धनपुर विधानसभा के, तो उससे इस क्योंकि मैं इस गाँव का लोग हूँ, मैं बासिंदा हूँ, तो सब मुझे पहचानते हैं। छोटे छोटे से अभी तक मैं इधर ही हूँ, सब उत्साह की तरह मेले की तरह, और जो हमारा बुजुर्ग है वो आशीर्वाद करने इधर आए हैं और बोला कि अभी कोई पॉलिटिक्स नहीं है, अभी लोकल का लोकल जो वोकल बोलते हैं तो उसकी तरफ सब जाएंगे। और क्योंकि मोदी जी ने हमें कैंडिडेट किया सब बोलते के साथ प्रार्थी दें नहीं, যেটা 2023 যেটা হয়েছে সেটা আমাদের পক্ষে অনেকটা ভোট আসবে, যদিও তাদের নিজস্ব বিষয়, আমি আশা করব মানুষ ডেভেলপমেন্টের পক্ষে ভোট করবে। জয়ের ব্যবধানটা কত দেখুন, এটা তো প্রেডিকশন আমি করতে পারবো না, সেটা বলছি গত বছর গত কয়েক বছরে যতটা ব্যবধান ছিল তার থেকে অনেক বেশি ব্যবধানে এবার জয়টা তারা তো চালই করে সবসময়, চাল চাল করেই তো এত বছর ছিল, সবসময় কৌশল করেই তারা রাজনীতি করে, আর অপোনেন্ট পার্টিকে সবসময় তারা নিচু হিসাবে দেখে, যারা সরকারে থাকে বা তারা সরকারের বিরুদ্ধে রয়েছে এখন সেটা সঠিকভাবে তারা সরকার পক্ষটা সঠিকভাবে পরিচালনা করেনি, এবং এখন যারা বিরোধী দলে রয়েছে বিরোধীর ভূমিকা তাদের সঠিক না আমি বলবো। ওনারা যদি এজেন্ট আসে আমাকেও যদি এখন ফোন করে, পুলিশ প্রশাসন রয়েছে শাসন রয়েছে তাদের বলা হলে তারা এজেন্ট দিয়ে দেবে, কিন্তু লোক তো আমার পার্টি থেকে আমি দিতে পারবো, ওনাদের পার্টি থেকে এজেন্ট তৈরি করতে হবে। এটা কি তাহলে ওদের একটা রাস্তা?